हर बार की तरह इस बार दीपावली पर्व पर अस्थायी पटाखा बाजार आदर्श स्टेडियम में सजेगा। इसको लेकर नगर परिषद द्वारा लॉटरी द्वारा 100 दुकानों का आवंटन किया गया है। वहीं अब स्टेडियम में दुकानों का निर्माण हो रहा है। पहले स्टेडियम के पार्किंग स्थल पर लगने वाले पटाखा बाजार को इस बार स्टेडियम के मैदान में बीच में लगाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार पटाखा बाजार को मैदान में लगाया जा रहा है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां इन दिनों थार नगरी में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एक और जहां लोग अपने घरों की सफाई में जुटे हैं, तो व्यापारी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में दुकानों में भांति भांति के सामान जमा कर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की सरकार की ओर से सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग के साथ ही शहर के मुख्य स्थानों पर आकर्षक लाइटिंग कर दीपावली को कुछ खास अंदाज में मनाने का जतन किया जा रहा है। इस बीच दीपावली पर पटाखों और गगनचुंबी आतिशबाजी को लेकर भी युवा और बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार दीपावली पर्व पर अस्थायी पटाखा बाजार आदर्श स्टेडियम में सजाया जा रहा है। इसको लेकर नगर परिषद द्वारा लॉटरी द्वारा 96 दुकानों का आवंटन किया गया है। वहीं अब स्टेडियम में दुकानों का निर्माण हो रहा है। पहले स्टेडियम के पार्किंग स्थल पर लगने वाले पटाखा बाजार को इस बार स्टेडियम के मैदान में बीच में लगाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार पटाखा बाजार को मैदान में लगाया जा रहा है। अस्थायी आतिश मार्केट आदर्श स्टेडियम में संचालित होगा, जहां लगभग 96 दुकानें आवंटित की गई है। प्रत्येक दुकान के बीच की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 5-5 फीट की दूरी रखी गई है और दुकानदारों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। और अगर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे तो उनका तत्काल अस्थायी लाइसेंस निरस्त किया जाकर दुकान आवंटन निरस्त किया जाएगा। सर, ग्रीन आतिशबाजी को लेकर क्या किस तरह से? बिल्कुल, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो आतिशबाजी विक्रय होगी उसी को ही विक्रय करने का अभी नियम है, जिसके लिए माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा भी एकदम नियम नियुक्त किया जा चुका है। वो समय समय पर वह जांच करेगा कि क्या प्रतिबंधित आतिशबाजी तो नहीं बिक रही है, जो ऑथराइज है, जो अधिकृत आतिशबाजी है वही बिक रही है। नगर परिषद आयुक्त के मुताबिक इस बार सुरक्षा की लिहाज से पटाखा बाजार को आदर्श स्टेडियम के मैदान में अस्थायी पटाखा बाजार सजाया जा रहा है। पूर्व में इसे पार्किंग स्थल पर बनाया जाता था, लेकिन जगह कम होने के कारण इस बार खुले मैदान में पटाखा बाजार बनाया जा रहा है। इस बार प्रत्येक दुकान के मध्य 5 फीट की दूरी होगी। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रीन आतिशबाजी के लिहाज से ही पटाखों की बिक्री की जानी है। ऐसे में दुकानदारों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री ही की जाए, ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।